झारखंड उत्पाद सिपाही का फिजिकल डेट आ गया है, यानी जो भी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही में फॉर्म भरे हुए थे उन लोगों का रनिंग डेट आ गया है। और झारखंड में 7 जिलों में होने वाला ये दौड़ है, और आप लोगों को किस दिन कहाँ पे और किस दिन जाना है झारखंड में और कहाँ पे जाना है, ये सारा चीज़ आपको इस नोटिस के माध्यम से पता चल गया होगा। अगर आप इस पीडीएफ को देखे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा किस दिन है। यानी आप लोगों को बता दें कि 20 अगस्त से झारखंड में उत्पाद सिपाही का फिजिकल होने वाला है, यानी रनिंग होने वाला है। 10 किलोमीटर का दौड़ है, और 10 किलोमीटर अगर आप दौड़ निकाल लेते हैं तो आपका रनिंग हो जाता है, यानी फिजिकल आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम बचेगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे तो उन लोगों को बता दें कि जो 2023 में फॉर्म भरे हुए थे उत्पाद सिपाही का, जिसका फॉर्म का हुआ था पोस्टपोन्ड हो गया था, यानी उस वैकेंसी को आगे का कर दिया गया था, पेंडिंग में डाल दिया था, उसी को फिर 2024 में फिर से भरवाया गया था, और उसमें न्यू कैंडिडेट किए हुए थे, उस वही जो वैकेंसी है उसका फिजिकल होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आप लोग तो पीछे नोटिस में आप देखे ही होंगे, या पीछे जो निकाला गया था नोटिस उसमें ये चीज़ बताया गया था, बहुत स्टूडेंट को फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट में जो भी स्टूडेंट हैं उन लोग तो फिजिकल नहीं दे सकते हैं। रिजेक्ट किस कारण से हुआ था ये आप लोग जान रहे हैं अच्छा से, यानी फ़ोटो सिग्नेचर या पेंडिंग जो भी था उस कारण से, उस रीजन से फॉर्म को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। उन बच्चों को फिजिकल नहीं होगा, उन लोगों का रनिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। तो उन बच्चों अभी तक नहीं देखे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप उस रिजेक्ट वाला पीडीएफ में जाइए और देखिए। पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो हमारे साइंस जोन गढ़वा टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों की मिल जाएगा रिजेक्ट वाला पीडीएफ। उसमें अपना नाम रोल नंबर सर्च करके देख लीजिएगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या सेलेक्ट हुआ है। और जो कैंडिडेट का सेलेक्टेड है, जो स्टूडेंट का फिजिकल देने जाना है, उन स्टूडेंट का पीडीएफ में आपको बताएंगे अभी, जो पीडीएफ अभी दिखाने वाले हैं इस पीडीएफ में, कि किस दिन है और किस तारीख को आपको जाना है। इस पीडीएफ में भी अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस से देखते हैं और यहाँ कि इसमें आपका किस दिन और कहाँ पे है झारखंड में। तो चलिए मैं पीडीएफ पर लेकर चलता हूँ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 06/2023 की है। ये झारखंड सिपाही उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की है, ठीक है। और इसमें सूचना आपको 5/8/2024 को ये आया हुआ था। इसमें झारखंड सिपाही का जो है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी इसमें फिल किए हुए थे उन लोगों के लिए फिजिकल का डेट आ गया है। इसमें आपको बता दें कि ये जो फिजिकल का डेट है वो 20/8/2024 से, ठीक है ना, स्टार्ट होने वाला है, यानी आपका रनिंग होगा। और ये 7 मतलब जिलों में होने वाला है, झारखंड के 7 जिलों में होगा। और ये 20 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, ये 20 तारीख से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी का रोल नंबर के हिसाब से अलग अलग डेज में, मतलब अलग अलग दिन आपको बुलाया जाएगा। और आप लोग मतलब अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने सिटी में, माने अपने मतलब कि रोल नंबर के हिसाब से ये बुलाया जाएगा, और अलग अलग आपको क्षेत्र दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस पीडीएफ के माध्यम से अपना खुद का देख लीजिएगा कि हमारा किस दिन जाना है रनिंग करने और कहाँ पे जाना है। ये चीज़ आप झारखंड के आप देखेंगे तो ये जो आप पहले देख रहे हैं ये है रांची में, ठीक है ना। रांची में आपको ये बुलाया जाएगा। इसमें आप लोगों की जो रोल नंबर दिख रहा है बच्चों, ये वाला रोल नंबर, ये अगर आप लोग इसमें इसके बीच में अगर आपका रोल नंबर है तो आप इन दिनों जांच सकते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला दिन जो है ना, पहला दिन बुलाया किसको जाएगा, वो पहला दिन इन छात्रों को बुलाया जाएगा जिनमें आप देख रहे हैं इतना रोल नंबर से लेकर इतना रोल नंबर के बीच में। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालिए और देखिए कि क्या इसके बीच में हम हैं या नहीं है। उस दिन बुलाया जाएगा 2000 टोटल स्टूडेंट को, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा दिन बुलाया जाएगा 6000, फिर उसके बाद तीसरा दिन बुलाया जाएगा 6000। इसी प्रकार से जो आपको डेज बाई डेज दो बुलाया जाएगा वो टोटल स्टूडेंट को बुलाया जाएगा कितना, 73,405 बुलाया जाएगा। ये कहाँ होगा, रांची में होगा। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये रांची है, ये रातू रांची है, ये टेंडर ग्राम में होगा ये। और इसमें जो रोल नंबर दिया गया बच्चों,
इसमें भी बुलाया जाएगा 73,405 कैंडिडेट का, इतना मतलब कि रनिंग होगा अलग अलग डेज में। तो आप अपना ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, इस पीडीएफ में पहले आप देखिएगा कि हमारा किस दिन जाना है, किस डे किस दिन को बुलाया गया है। यानी आपका जो है 20 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 20 यानी पहला दिन होगा, फिर उसके बाद 22 होगा तो वो दूसरा दिन होगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा कि हमें किस दिन जाना है, ठीक है ना। तो आप अपना ये पीडीएफ जो देख रहे हैं, इस पीडीएफ में रोल नंबर मिलाइएगा और आप देखिएगा कि कौन सा ज़िला है, हजारीबाग दिया है या जमशेदपुर दिया है या रांची दिया है या साहेबगंज दिया है, ठीक है ना। अपना रोल नंबर के हिसाब से मिला लीजिएगा। अगर जिन बच्चों को ये रोल नंबर नहीं मिल रहा है या फिर नहीं देखने आ रहा है, वो मैसेज करेंगे, उनको हम बता देंगे कि कौन सा है, किस दिन जाना है, ठीक है ना। तो आप बात करते हैं कि एडमिट कार्ड को लेकर देखे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, जो भी कैंडिडेट का अगर इस रजिस्ट्रेशन में मैच नहीं खा रहा है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, आपका जरूर आएगा अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है तो। और जिन कैंडिडेट का अगर इसमें मान लेते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन या सातवां या नौवां दिन ऐसे हैं, उसमें डेट नहीं दिया गया है, बच्चों अभी आप लोगों की फाइनल एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ है, याद रखिएगा, फाइनल आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 14 से 15 अगस्त ले, यानी एक हफ्ता पहले आप लोगों का, 20 अगस्त से है ना, एक हफ्ता पहले मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्ट कि कहाँ पे जाना है, किस तरह से। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका झारखंड में किस जिले में होने वाला, वो आपका जगह के नाम बताया गया है किस दिन, ठीक है ना। तो 20 अगस्त से जो है ना वो पहला दिन काउंट होगा, 21, दूसरा 22, तीसरा, इस तरह से आपको डे बाई डे आपको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो आप अगर मान लेते हैं कि नौवां दिन है, तो नौवां दिन आप देख लीजिए, 20 से पहला मान लीजिए, तो नौवां आप देख लीजिए किस तारीख को जा रहा है। अब एडमिट कार्ड में आएगा तो तारीख खुद बता दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कब डाउनलोड करना है, ये चीज़ तो आपको बता दी है कि भाई साहब आपको एक हफ्ता पहले आपको डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड करना है और कब ये एडमिट कार्ड आएगा और आएगा तो कैसे हम डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बता देंगे, घबराना नहीं है, आएगा तब, अभी तो आया ही नहीं है, आने का इंतज़ार कीजिए। बाकी अभी आप लोगों को 10 किलोमीटर रनिंग का तैयारी करना है और मालूम चल गया होगा इस पीडीएफ के माध्यम से किस झारखंड में, किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, किस जिले में जाना है। तो 10 किलोमीटर का रनिंग आप कीजिए अच्छे तरीके से, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, जी जान लगा दीजिए पूरी तरह से, ये महायुद्ध है 10 किलोमीटर का, याद रखिएगा। बहुत कैंडिडेट है ना मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, 10 किलोमीटर याद रखिएगा, हल्का नहीं है, 10 किलोमीटर बहुत है, 10 किलोमीटर मतलब एक घंटा आपको स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अभी आप लोग एक से डेढ़ घंटा रनिंग करने का क्षमता बना लीजिए, आपका 10 किलोमीटर निकल जाएगा, डेढ़ घंटा बोल रहे हैं हम, डेढ़ घंटा जो अगर कैंडिडेट रेगुलर कंटिन्यू अगर जो रनिंग कर सकता है ना, वो 10 किलोमीटर आराम से निकाल लेगा। इसलिए 10 किलोमीटर के लिए अभी तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। बाकी एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा हम आपको एडमिट कार्ड का सूचना बहुत जल्दी दे देंगे और आप लोगों की डाउनलोड करके बता देंगे कि इस तरह से आप डाउनलोड कीजिएगा। बाकी आप झारखंड से हैं या बिहार से हैं या यूपी से हैं या किसी भी अदर स्टेट से हैं, तो कमेंट करके बताइएगा आप किस स्टेट से हैं और झारखंड में किस दिन आना है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी ऐसा अपडेट आता है तो हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे। बस जुड़े रहिए मेरे साथ और तैयारी करते रहिए।